बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों को आप देख रहे होंगे जिन्होंने आज दौलत शोहरत में सब कुछ कमा लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सच्चे प्यार तक को हासिल कर लिया है, जिन्हें अपने प्यार के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, फिर भी वो आज अपने प्यार के साथ है। लेकिन दोस्तों, इसी इंडस्ट्री में बहुत सी अभिनेत्रियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने आशिकी में ही अपना करियर गुजार दिया, इसके बावजूद भी उन्हें अपना प्यार नहीं मिल पाया। तो आखिर कौन कौन सी वो अभिनेत्रियाँ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में एक एक करके और उनसे मिलते हैं। नंबर एक, सोनाली बेंद्रे। 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के अफेयर सुनील शेट्टी जैसे बड़े कलाकार के साथ रहे, जिन्होंने अपने करियर की आधी से ज़्यादा जिंदगी उन्हें प्यार करने में गुजार दी, जिन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों के ऑफर्स तक ठुकरा दिए, वो भी सिर्फ आशिकी की वजह से। नंबर दो, रवीना टंडन। रवीना टंडन का अफेयर खिलाड़ी कुमार के साथ था और इसके बाद काफ़ी समय तक इनका नाम अजय देवगन के साथ भी जोड़ा गया, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो आशिकी के चक्कर में ही निकाल दी और ये अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी आज बॉलीवुड में इनका नाम चलता है। नंबर तीन, करिश्मा कपूर। बॉलीवुड की टैलेंटेड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान की आशिकी में चक्कर में ही अपने आधे से ज़्यादा करियर यूं ही खराब कर लिया। तो वहीं जब संजय कपूर से इनकी शादी हुई तब इनकी ये शादी भी टूट गई। नंबर चार, रेखा। बॉलीवुड की टैलेंटेड अभिनेत्री रेखा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने अपना करियर आशिकी में ही चूर कर दिया। रेखा ने तो अपनी पूरी जिंदगी ही अमिताभ बच्चन का नाम कर दी, जो आज तक अमिताभ बच्चन के प्यार में दीवानी है। नंबर पाँच, नगमा। टैलेंटेड अभिनेत्री नगमा ने भी अपना आधा करियर आशिकी में गुजार दिया, जिनके तीन शादीशुदा मर्दों से अफेयर होने के बावजूद भी आज भी ये सिंगल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सच्चा प्यार ढूंढना, लेकिन इन्हें नहीं मिल पाया। नंबर छः, मनीषा कोराला। अभिनेत्री मनीषा कोराला ने भी नाना पाटेकर, विवेक मिश्रान, आर्यन वैद्य के साथ और न जाने कितने सितारों को डेट किया, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी आशिकी में ही गुजार दी। वेल दोस्तों, इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर आपके कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।